नमस्कार, मैं गिरधारी आप सभी का गुरु मंत्रा पर स्वागत करता हूँ। आज हमारा लूसेंट सीरीज का पार्ट थर्ड है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द एजेंसी विच एस्टिमेट नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान जो लगाती है वो कौन सी एजेंसी लगाती है, ये हमें पता करना है। हमारे पास चार ऑप्शन है, आरबीआई, प्लानिंग कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। आरबीआई जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी जारी करती है, प्लानिंग कमीशन जो कि अब रहा नहीं, अभी नीति आयोग हो गया। प्लानिंग कमीशन क्या हो गया, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है इनका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये भारतीय राष्ट्रीय आय की अनुमान लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड नॉट मैच्ड, इनमें से कौन सा ऐसा है जो मैच करेक्ट नहीं है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है, ये जो है ये सारे हैं कंट्री, क्या है ये कंट्री है और ये कैपिटल, कैपिटल ऑफ कंट्री, भूटान की थिंपू ये सही है, ब्राजील, ब्राजील की गलत है, ब्राजील की क्या होती है, ब्राजीलिया, ब्राजील की ब्राजीलिया होती है। कनाडा का ओटापा सही है, सोमालिया, मगदिशु ये भी सही है। तो हमारा जो राइट आंसर है ये कौन सा है, सेकंड नंबर, ये करेक्टली मैच नहीं है, ब्राजील का रियो नहीं होता, ब्राजील का होता है ब्राजीलिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रयाग प्रशस्ति गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द मिलिट्री कैंप्स ऑफ होम, ये जो प्रयाग प्रशस्ति है ये किसकी मिलिट्री कैंप के बारे में बताता है। तो प्रयाग प्रशस्ति जो है ये हमारे समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बारे में बताता है, समुद्रगुप्त की जो मिलिट्री कैंप थी इसके बारे में बताते हैं कौन, प्रयाग प्रशस्ति। ये चंद्रगुप्त प्रथम कौन थे, तो ये समुद्रगुप्त के पिता थे। चंद्रगुप्त द्वितीय कौन थे और कुमारगुप्त कौन थे, तो ये समुद्रगुप्त के दोनों ही पुत्र थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली पेयर्ड, फिर से यह है कि इनमें से जो पेयर्स हैं इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं है। तो एपिकल्चर हनी भी सही है, सेरिकल्चर सिल्क वॉर्म ये भी सही है, पीसी कल्चर, पीसी कल्चर जो है ये गलत है। पीसी कल्चर किससे होता है, तो पीसी कल्चर किसके लिए है, फिश के लिए, फिशिंग, फिश के लिए पीसी कल्चर, पीसी कल्चर होता है। हॉर्टिकल्चर गार्डनिंग ये भी सही है। तो हमारे जो राइट आंसर होगा ये थर्ड वन होगा जो कि करेक्टली मैच नहीं है। अगला क्वेश्चन है, द ह्यूमन हार्मोन इंसुलिन रिप्रेजेंट इन विच प्लेस, क्या क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमारे शरीर में जो हार्मोन इंसुलिन के नाम का हार्मोन होता है वो कहाँ पाया जाता है। तो ये पाया जाता है पेनक्रियाज में, पेनक्रियाज कहाँ होती है, पेनक्रियाज जो होता है स्टमक के जस्ट नीचे, जस्ट बिसाइड, जस्ट बैक ऑफ द स्टमक, स्टमक के पास होता है, नीचे होता है पेनक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूक्लियर फ्यूल इन द सन इज, सूर्य में परमाणु ईंधन है, सूरज में जो परमाणु ईंधन है वो कौन सी है। चार ऑप्शन है हमारे पास, हीलियम, हाइड्रोजन, यूरेनियम और नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन ये सूर्य का परमाणु ईंधन है, ये कितना परसेंट है, 91% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोना इज रिलेटेड टू विच गेम, लोना जो है किस खेल से संबंधित है। तो लोना किस खेल से संबंधित है, लोना एक टर्म है, खेल का टर्म है जो किससे संबंधित है, तो ये कबड्डी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक वन इंडियन गर्ल, वन इंडियन गर्ल पुस्तक किसने लिखी है। तो ये वन इंडियन गर्ल पुस्तक जो है ये किन्होंने लिखा है, तो ये चेतन भगत ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द रूलर ऑफ इंडिया व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटेन वाज सेटअप, ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जब भारत में स्थापित की गई थी तो उस समय भारत के जो राजा थे जो भारत पे राज कर रहे थे वो कौन थे, तो वो थे जहांगीर, अकबर के पुत्र जहांगीर जो थे वो उस समय भारत के राजा थे और उन्हीं के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपना स्थापना किया था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमाशा इज अ फोक डांस ऑफ विच प्लेस, तमाशा जो है किस राज्य का फोक डांस है। तो तमाशा किस राज्य का है, ये महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का तमाशा फोक डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ पुराण, पुराण के बारे में जानते होंगे, तो पुराण कितने प्रकार के होते हैं, पुराण कुल
18 पुराण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडिया इज द स्टेट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। इंडिया का हुआ कौन सा स्टेट है जिसकी जनसंख्या जो है घनत्व के आधार पे सबसे कम है, जैसे कि स्पेस बहुत ज्यादा हो और वहां पे जनसंख्या बहुत कम हो। इसके अकॉर्डिंग बताना है कि इंडिया का ऐसा कौन सा राज्य है जहां जनसंख्या घनत्व बहुत कम हो, तो ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अगर यही क्वेश्चन आपसे उल्टा पूछ लिया जाए कि वह कौन सा राज्य है जिसकी सबसे हाईएस्ट डेंसिटी घनत्व के आधार पर जनसंख्या हो, तो वो कौन सा है, वो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल हाईएस्ट डेंसिटी वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे गहरा झील कौन सा है। दुनिया का सबसे गहरा झील जो है यह है बैकाल लेक जो है दुनिया का सबसे गहरा झील है। यह है कहां पे, तो रशिया में है बैकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुलहर लेक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। फुलहर लेक कहां पे है, तो फुलहर लेक है यूपी में। कहां पे, पीलीभीत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा ऐसा समूह है जो सही मैच किया हुआ है। औरंगाबाद आंध्र प्रदेश में, गलत है ये। कहाँ है औरंगाबाद, मुंबई में है। पालमपुर गुजरात में है, ये सही है। हुबली कहाँ है, कर्नाटका में है। और गन्नटूर कहाँ पे है, तो गन्नटूर भी आंध्र प्रदेश में है। तो जो हमारा सबसे सही पेयर, जो पेयर सही है वो कौन सा है, सेकेंड वन, पालमपुर जो है वो गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सेफ्टी मैचिस, हम जो माचिस यूज करते हैं उस माचिस के में कौन सा ऐसा सब्सटेंस का यूज करते हैं, माचिस में कौन सा वो तत्व का यूज करते हैं जिससे कि माचिस जलती है। तो वो जो सब्सटेंस है जिसमें माचिस में यूज किया जाता है वो है फॉस्फोरस। अगर कभी डीप में पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, वो रेड फॉस्फोरस होता है जिसका माचिस में यूज करते हैं। अगर कलर पूछे तो रेड फॉस्फोरस होता है। आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ की इकाई क्या है, वेवलेंथ की इकाई क्या है। तो वेवलेंथ की जो इकाई है, वेवलेंथ की इकाई होती है एंगस्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है। एनर्जी की एसआई यूनिट बहुत ही आसान है, जूल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ साउंड, साउंड की इंटेंसिटी ऑफ साउंड की जो एसआई यूनिट है ये क्या होती है, साउंड की होती है डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द मेंबर ऑफ यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो स्टूडेंट जो भी होते हैं नियुक्त किया जाता है वो कौन नियुक्त करता है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। यूपीएससी में चयनित जो भी बच्चे होते हैं उनकी नियुक्ति जो की जाती है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो ये हमारे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जो होते हैं भारत के उनके द्वारा किया जाता है। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क, वह कौन सा ऐसा स्टेट है जिसके पास सबसे अधिक नंबर का नेशनल पार्क है। तो जो सबसे मैक्सिमम नेशनल पार्क वाले लोग हैं वो राज्य हैं वो कौन सा है, मध्य प्रदेश है। यहाँ कितने नेशनल पार्क हैं, तो टोटल नाइन नेशनल पार्क हैं एमपी में, नाइन। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न वाज फर्स्टली अवॉर्डेड इन विच ईयर, सर्वप्रथम भारत रत्न जो है वो किस साल में दिया गया था, सर्वप्रथम जो भारत रत्न दिया गया था। देखिए ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट करेंगे, भारत रत्न जो दिया गया था वो आजादी के बाद दिया गया था, तो ये दो चीजें तो ऑब्वियसली गलत हो जाएगी इन दोनों में, तो याद रखना वो 50 के अंदर, 60 के नीचे और 50 के ऊपर है, तो वो है 54 ईयर, 1954 में जो है पहला भारत रत्न दिया गया था। और पहला भारत रत्न अवार्ड किसे दिया गया था, तो हमारे जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उनको दिया गया था। भारत रत्न जो है इनमें से
कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां भारत रत्न नहीं दिया जाता है? ये बहुत ही आसान है, आर्ट में दिया जाता है, साइंस में दिया जाता है, लिटरेचर में भी दिया जाता है, बट कॉमेडी में भारत रत्न अवार्ड नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोज, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो किस राज्य में बहती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत से होकर निकलती है, और ये किस राज्य में होकर बहती है? तो ये आसाम से होकर बहती है। आई होप क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट।